आइए सीएसएफ विंग यूनिट बीसीसीएल धनबाद में जो आज ये क्लब संरक्षिका के लिए खोला गया है, ये यहाँ की लेडीज और बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब उनका एक अपना स्पेस होगा जहाँ आकर के वो अपना ये कार्यक्रम करेंगी, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पहले से भी और अच्छा से अच्छा प्रोग्राम यहाँ होगा। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे हमें बुलाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस विषय में दो बातें सर। मुझे भी काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही है कि डीआईजी बीसीसीएल छरिया से सरकार उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, और ख़ासकर सीएसएफ वाइफ्स के लिए जो पहले उनके लिए कोई स्पेस यहाँ पे नहीं था, एक स्पेस यहाँ पे उपलब्ध कराया। अब यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लेडी मेम्बर्स हैं, हमेशा यहाँ पर आ पाएंगी और यहाँ पर आ करके जो भी तरह तरह के जो कार्यक्रम हो सकता है उसमें हिस्सा ले सकती हैं, और भी जो सीएसए वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो भी कार्य होते हैं उसको भी अच्छे ढंग से तैयार कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए डीआईजी सीएसएफ दिस से झरिया और मिसेज सरकार उनको पूछ क्या हमारा ये सीएसएफ का संरक्षिका का लेडीज और बच्चों के लिए और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग इसमें और ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। हमारे मैम और सर जो कि अभी पटना से आए हैं, हम लोग को एक तरह से आशीर्वाद स्टन सेंटर पटना से यहाँ पधारे हैं एनुअल इंस्पेक्शन के तहत, और जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है सीएसएफ यूनिट को उसी के तहत ये सीएसएफ क्लब जो सभी लेडीज़ और बच्चों और जो सीएसएफ के बल सदस्य हैं उनके लिए जगह का स्थान है जहाँ के डिफरेंट प्रोग्राम्स वो कर सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आईजी मैडम का जिन्होंने इसका उद्घाटन किया आज, और आशा करता हूँ कि वो आगे भी हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। हम लोगों मैडम Okay.